कटनी के खिरहनी इलाके से पुलिस ने एक महिला को स्मैक की तस्करी करते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से 2,25,000 रुपए की स्मैक जब्त की है। कटनी कोतवाली थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि खुरहानी इलाके में पूजा निषाद अपने घर के बाहर स्मैक लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रही है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पूजा निषाद को स्मैक बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के पास से 15 ग्राम स्मैक जब्त की है। इसकी कीमत करीब 2,25,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं महिला पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खिरैनी फाटक में जो पूजा निषाद रहती है उसके पास में स्मैक है, वो लोगों को बेच करके और खासकर युवाओं को बेच करके उनका नशे की आदत डाल रही है। इस सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। एक टीम बना करके उसको रेड किया गया। रेड करने पर उसके पास से 15 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी NDPS के तहत कार्रवाई की जाकर लगभग कीमत उसकी 2,25,000। हाँ, इसके खिलाफ पहले भी एक स्मैक प्रकरण बनाया गया था। इस संबंध में हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी केवल उसकी कार्रवाई की है, थाने लाकर उससे पूछताछ कर रहे हैं कि स्मैक कहाँ से लाती है। अब ये अभी जांच का विषय है, पर यह है कि निश्चित रूप से स्मैक ये बेच रही थी। काफ़ी दिन से शिकायत मिल रही थी और जिसमें आज हमें पकड़ने में उसको सफलता मिली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।